तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिनविशिया का नया एप्लीकेशन का अपडेट, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये एप्लीकेशन और भी मॉडिफाई हुआ है, कितना कंफर्टेबल है और इसके कुछ ऐसे फीचर्स जो इसके पहले के वर्जन में नहीं थे या कंफर्टेबल हो गया है, दोनों चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट वॉच देखेंगे। डिफ़ॉल्ट मार्केट वॉच होती है कि आपने कौन से स्टॉक पिकअप किए हैं और क्या बाय किया है, उसकी एक डिफ़ॉल्ट मार्केट वॉच, मतलब उसमें वो स्टॉक ऑलरेडी होता है। उसके अलावा जो आप मार्केट लिस्ट बनाई होगी वो, और एक होती है इंडेक्स। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे इन तीन लाइन्स पे तो आपको स्विच व्यू दिखेगा, जहाँ पे आप इस तरह का व्यू देख सकते हो जिसे हम हिट लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको कौन डाउन गया है, कौन अप गया है, वो इन डायरेक्टली कलर्स के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे इंडेविक्स जो भी नेगेटिव में, मतलब उसकी वोलेटिलिटी आज कम थी। निफ्टी 50 जो कि बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे हो गए, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, सारा मैक्सिमम जो अभी तक का स्टॉक है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। उसके अलावा बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आप एलटीपी भी देख सकते हैं, मतलब लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस कौन सा है, स्क्रिप्ट नेम्स और परसेंटेज चेंजेस, मतलब वो उस तरीके से कस्टमाइज हो जाती हैं। तो मैं एलटीपी पे रखूँगा या शायद स्क्रिप्ट नेम पे, चूँकि डिफ़ॉल्ट थी। कुछ अलर्ट्स आए थे, कुछ पेंडिंग आए थे, नहीं। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में आपके कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे जो आपने बाय और सेल किया, एग्जीक्यूट कितने हुए, GTT कितने हैं, बास्केट्स में कितने हैं, SIPs क्या हैं, कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो जो आपने बाय करके रखी या होल्डिंग पे रखे हैं, तो मैंने होल्डिंग पे एक बस हिंडाल को रखा है। उसके अलावा यहाँ पे EDIS आती हैं, जहाँ से आप जाके अपना अगर आपको बेचना हो तो उसके लिए एक पिन जनरेट होगा, और उस पिन को एंटर करने के बाद ही आपके शेयर्स बेचे जाएंगे। तो इसके अलावा ये मेरी आईडी है। यहाँ पे फंड्स, डार्क थीम, जैसे लाइक मुझे डार्क पसंद हो तो मैं इस तरह से रख सकता हूँ, या मुझे लाइट पसंद हो तो मैं इस तरह से रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा पासवर्ड चेंज सेट, एम पिन, मतलब पासवर्ड की तरह ही आता है। यूज़र प्रेफरेंस, आपको अगर फॉन्ट साइज स्मॉल चाहिए तो स्मॉल रखिए, लार्ज चाहिए लार्ज रखिए। इनका एक टिपिकल चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, हम देखेंगे। ऑर्डर प्रेफरेंस, आपको क्या रखना है, अगर ऑर्डर टाइप मार्केट नहीं चाहिए आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। लिमिट, स्टॉप लॉस, कुछ भी आपको डिलीवरी में चाहिए, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर लगाना हो या इंट्राडे लगाना हो, उसके लिए भी है। मुझे तो कैश मार्केट में ही ट्रेडिंग करना पसंद है। उसके अलावा मोर, इसमें आप काफ़ी सारे जनरल स्टडीज़ और स्कैनर्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट IPO कौन कौन सा आने वाला है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स होती हैं। जैसे अभी रेडिकेन नाम का एक IPO आएगा जो 7 से 9 तक रहेगा। उसके अलावा एक्सचेंजेस ने कुछ मैसेज भेजे होंगे, आज मार्केट ओपन है, आज मार्केट क्लोज है, ठीक है, ये क्या हो रहा है पता नहीं, बट रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो कौन सा रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस पे, मतलब उस वोलेटिलिटी पे फ्लक्चुएट कर रहेगा आज का मार्केट उस पर्टिकुलर स्टॉक में। हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स की अगर बात करें, ओके, इसका कुछ भी डाटा नहीं है, सच इम्बैलेंस थिंग फॉर मी, बट अगर मैं ए पे जाता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी कंपनीज की डिटेल्स मिल रही है। मैं अगर यहाँ से एक अच्छी सी कंपनी अगर हम देखें तो, चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा इक्विटी, इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका सपोर्ट कितना है। इसका रेजिस्टेंस देखिए, सपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है डायरेक्टली, जो प्रिटी गुड। मुझे बस निफ्टी 50 के चाहिए थे और इसकी डिटेल्स अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा
यूजुअल पोटेंशियल और आपको सच में देखना चाहिए जो है इसका लूज़र और टॉप लूज़र और टॉप गेनर, जो यहाँ देखेंगे आपको। इसके अलावा ये शॉर्ट और वीक कौन से हैं, राइस फॉल एंड वन, जिसकी प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी अप गई हैं और काफ़ी डाउन गए हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट हैं। शायद से मुझे इसमें डालना होगा अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग्स, मुझे वो देखना पड़ेगा, पर ठीक है। ये हो गई मोर की, आईपीओ हो गया, मार्केट मूवर्स, टॉप गेनर्स कौन हैं, टॉप लूजर्स कौन हैं आज के, एक्टिव बाय वॉल्यूम मतलब कितना ट्रेडेड हुआ है आज, मतलब वॉलेटिलिटी कितने कितने कौन से स्टॉक में, उसके बारे में। और इसी के साथ आपको इसके अंदर जस्ट लाइक मैं एक स्टॉक अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ, SBI, वन ऑफ माई फेवरेट। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका बायर और सेलर की एग्जीक्यूटिंग लिस्ट है वो दिखा रही है 5 अमाउंट्स तक। तो इसके अलावा इसमें ओपन कब हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, वो सारी डिटेल्स आपको बताई जा रही है। उसके अलावा इसके फ्यूचर मतलब डेरिवेटिव मार्केट, उसके अलावा एक्सपायरी मतलब ये सारी ऑप्शन चेंज दी गई हैं यहाँ पे कॉल और पुट की। जस्ट सपोज मुझे लगता है कि ये डाउन जाएगा और अभी की LTP है 7476, तो मैं 470 का पुट लेना चाहूँगा या कॉल लेना चाहूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं SBI 30 December C21, तो ये FNO है, और यहाँ पे पुट, यहाँ पे कॉल, और ये है उसकी LTP। जो अगर बाय करना हो और मार्केट ऑर्डर करना हो तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी इजी। उसके अलावा चार्ट, ये बड़ी काम की चीज़ होती है, और ये ट्रेडिंग व्यू ऐप का एक चार्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है अगर आप देखोगे तो, बट मुझे तो वॉल्यूम कैंडल वाला ही पसंद है जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं जो इनका कन्वेंशनल है उसको यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करता हूँ तो आता है क्या वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड वॉल्यूम, चलो देखते हैं चार्ट्स में आया है कि नहीं। तो ये नीचे वाला वॉल्यूम है जिस मुझे इस तरह के से नहीं चाहिए था, इसमें ये अच्छे से सीखना पड़ेगा इस चार्ट का कैसे यूज करते हैं। इसके बाद आप सेट अलर्ट्स और क्या है आपकी मतलब इस टाइम पे आने के बाद आपको बाय करना है सेल करना है उसके लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। इस तरह से राइट स्वाइप और इसके जो सेंसेक्स और निफ्टी के जो अपर पार्ट है वो भी आप इसमें रख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको इसके फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएंगी, इसमें रिजल्ट्स क्या आए हैं, बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट और लॉस कैसा है, और ये सब आपको एक एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे एप्लीकेशंस इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और इस ऐप के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ सर्च कीजिए गूगल पे, ब्राउज कीजिए finvishya.com, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू।